Well. फेशियल वैक्स का ट्यूटोरियल दिया है फोरहेड पे अपरलिप्स पे या फेस एरिया पे आप कैसे घर में ही वैक्स आसानी से कर सकते हैं कटोरी वैक्स की मदद से और इसमें जो जो टिप्स है वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगी वीडियो के और जो मैं वैक्स यूज करने वाली हूँ मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल सारी मेंशन कर दूंगी लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले थैंक यू वेरी मच अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रोडक्ट की थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ यहाँ पर आज मैं स्लीक की फेशियल वैक्स यूज करने वाली हूँ ये एक तरह की कटोरी वैक्स होती है और ये एटी रुपीज की आपको मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाती है इसका जो यूजिंग पीरियड होता है यानी कि आप इसको कितने समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप इसको तीन साल तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी ये एक टाइप की कटोरी होती है और कटोरी के अंदर वैक्स होती है आप इसीलिए इजीली उस कटोरी को डायरेक्ट गैस से गर्म कर सकते हैं गैस पे ले जाकर उसके बाद आप इसको अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत ही Easy और अपने आप होने वाली वैक्स है, जो मैंने खुद आपको अपने फेस पर करके दिखाया है तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ ये आप देख सकते हैं स्लीक वैक्स फेशियल हेयर रिमूवर और यह आप इसका पूरा नाम देख सकते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आप देख सकते हैं जून 2017 और ये आ, पूरा एक साल के लिए है इसका लेकिन इसमें कई तीन साल के लिए भी आ सकती हैं आती हैं ये देखिए कटोरी में वैक्स है, ये ऑलमोस्ट मेरी खत्म हो चुकी है इसको गर्म करने के बाद ये कुछ इस तरीके की हो जाएगी इसके साथ ये स्टिक आई हुई स्टिक मिलती है और ये मैंने इसको अब गर्म पानी में इसको डिप कर लिया ताकि ये जल्दी ठंडी ना हो अब मैं एक कॉटन बॉल की मदद से अपने फेस पर पाउडर लगा लूँगी जहाँ पर मुझे वैक्स करनी है अभी स्टिक की मदद से मैंने इसको लिया है और गर्म मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ इसको मैं तीन पार्टीशन में करूँगी पहले कॉर्नर पे अब ये मैं लगा के इसको थोड़ा डैप डैप करूँगी ये बहुत जल्दी सूख जाएगी सूख जाती है अब कॉर्नर से थोड़ा सा हटा के मैं इसे अब पकड़ के गाल को और यहाँ से मैं खींचूँगी आप ये देख सकते हैं ये एक बार में ही निकल जाती है अब मैं बीच के पोर्शन में करूँगी आप अपने बालों की के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे इसको ये बहुत जल्दी सूखती है इसको हल्का सा डैप 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 करना पड़ता है अब आप साइड से खींचेंगे अपने गाल को और यहाँ से इसको फिंगर की मदद से हल्का सा उठाएंगे और फिर हम इसको खींचेंगे ये आप देख रहे हैं ये बहुत जल्दी निकल जाती है और एक्स्ट्रा को आप धीरे धीरे करके हटा देंगे आराम आराम से खींचें अब आप ये देख सकते हैं अब मैं इधर वाले कॉर्नर पे लगाऊंगी जितना एरिया मेरा बच गया है अच्छे तरीके से लगा के डैप डैप करेंगे ये बहुत जल्दी ठंडी होती है तो ध्यान रखें ज़्यादा गरम पानी में इसको रखें या फिर आपको बार बार गैस पे गर्म करनी पड़ेगी अब ये मेरी हो चुकी है वैक सब मैं इस पर ये आप देख सकते हैं ये पीसेस निकले हैं करने के बाद आप इसको हटा लेंगे अब छोटा छोटा जो भी रह गया है वैक्स का अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद आप अगर आप, आप आपके अगर दाने या किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप एस्ट्रिंजेंट लगाएंगे एस्ट्रिंजेंट आप वैसे भी लगा सकते हैं एक प्रिकॉशंस के तौर पर ये मैं स्ट्रिंजेंट लगा रही हूँ कॉटन से और ये मेरी वैक्स हो चुकी है आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी इस वीडियो के अगर आप लोगों को ये वैक्स करनी है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये गर्म रहे लेकिन ये वैक्स बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो एक बार गैस पे गर्म करने के बाद काफी ज्यादा गर्म पानी में कटोरी में भर के उसके अंदर इसको रख सकते हो बट मेक श्योर पानी वैक्स के अंदर ना जाए नीचे नीचे रहे उसके और आराम से वैक्स फिर गरम रहेगी और जिससे कि आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो सेकेंड नंबर अगर आपको इसको यूज करने के बाद थोड़े बहुत बाल रह जाते हैं आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी थर्ड जिस तरीके से मैंने पकड़ पकड़ के अपने एरियाज को किया है जैसे कि यहां से मैंने पकड़ा इस तरफ करते हुए यहाँ पर लिप्स को लिप्स को टाइट बंद किया या इस तरफ से इस तरफ से स्किन को खींचा वो सब आप करना ना भूले क्योंकि जब आप खींचेंगे अच्छी तरीके से तब तो वो खींच पाएंगे आराम से और फोर्थ अगर वैक्स करने के बाद आपको थोड़े बहुत दाने हो जाते हैं रैशेज की प्रॉब्लम आती है एस्ट्रीजेंट का इस्तेमाल करें अच्छे तरीके से कॉटन की हेल्प से लगाएं और छोड़ दें अगर ज्यादा हो रहा है तो आप आइस का इस्तेमाल करें आइस को कॉटन के रुमाल में अच्छे तरीके से बंद करके रब करें धीरे धीरे और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं आपको नहीं बता रही हूँ मैंने आपको खुद अपने फेस पर करके दिखाई है तो Uh, तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये वीडियो मैं करने के बाद बना रही हूँ आप मेरे फेस पे देख सकते हो तो आपको कोई रैशेज या कोई रेडनेस नजर नहीं आ रही होगी आप लोग अगर करना चाहते हैं घर में ही आसानी से वैक्स तो प्लीज इसको यूज करें और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो बाय टेक केयर